तो गाइस एक काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए, और ये न्यूज़ सुनकर ब्रॉक लेसनर के फैंस काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, रिसेंटली WWE का 2K24 गेम प्ले आया है, तो उस गेम में WWE फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उस गेम में ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस बैड न्यूज़ ये है कि उस गेम में हम ब्रॉक लेसनर वाले करेक्टर को मिल ही नहीं सकते, यानी कि चूज कर ही नहीं सकते। तो जो लोग ब्रॉक लेसनर के करेक्टर से गेम प्ले करते थे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है कि अब वो ब्रॉक लेसनर के करेक्टर से गेम प्ले खेल ही नहीं पाएंगे। और WWE 2K24 में ब्रॉक लेसनर को सिर्फ WWE ने एक जगह पर मेंशन यानी कि शो किया हुआ है, वो भी थोड़ी सी देर के लिए। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर पर जो एलिगेशन लगे थे वो कितने ज़्यादा कितने ज़्यादा बड़े थे और बुरे थे, और WWE इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये तो हम सब अच्छे से जान चुके हैं। क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक ऐसे प्लेयर हैं जिसको कोई भी कंपनी अपने साथ साइन करना चाहेगी, लेकिन WWE कंपनी ब्रॉक लेसनर का नामो निशान ही ख़त्म कर रही है अपने WWE की हिस्ट्री से। गाइस मैं ब्रॉक लेसनर का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन रेसलिंग का फ़ैन होने के नाते मुझे खुद काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जब ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसी अपडेट देता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है हमें भी अपडेट देना। लेकिन जैसे हम ब्रॉक लेसनर को कितना अच्छे सुपरस्टार समझते थे, और WWE अब ब्रॉक लेसनर को उसी तरह से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से अरेज कर रही है रेसलिंग की हिस्ट्री से, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। और गाइस जो दूसरी अपडेट है वो द रॉक के बारे में है। द रॉक का हमें मैच लाजमी देखने को मिलने वाला है WrestleMania 40 में। इस बात को आप लोग यानी कि 100% कन्फर्म समझ सकते हैं, और इस बात का आप लोगों को कल ही किस मैगडोन में ही पता चल जाएगा जब द रॉक आंसर करेंगे कोडी रोड्स को। लेकिन गाइस ये बात कंफर्म है कि कोडी द रॉक का मैच हमें लास्ट में देखने को मिलने वाला है WrestleMania 40 में, यानी कि WrestleMania XL में। तो ये WrestleMania काफ़ी ज़्यादा बड़ी WrestleMania होगी WWE की हिस्ट्री की, तो मज़ा आएगा इसको देखने में।